सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर वन प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मुल्क का बादशाह बहुत बीमार हो गया, बहुत इलाज कराया, लेकिन जो मरस था वो बढ़ता गया, मरस बढ़ता गया, जूझू दवा की। फिर एक सियाना समझदार शख्स ढूँढा, हकीम, जिसने बादशाह का मुआयना किया और हकीम ने कहा कि बादशाह की बीमारी उसी वक्त दूर होगी जब उसे एक नायाब नस्ल की मछली खिलाई जाएगी। एक तो मछली, दूसरी नायाब नस्ल की। अब ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ कि चले मेरा इलाज तो दरियाफ्त किया, ये तो बताया कि इलाज होगा कैसे। और उसने ऐलान किया जो कोई भी बादशाह के लिए ये नायाब मछली लाएगा उसको बहुत सारी दौलत इनाम में दी जाएगी। बहुत तलाश के बाद आखिर वो मछली एक मछेरे के हाथ लग ही गई। अब उसने सोचा कि उसके तो वारे न्यारे हो गए, उसने बादशाह के महल का रुख किया। लेकिन जब वो मछेरा बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसे एक दरबान ने रोक लिया। दरबान बहुत लालची था, उसने मछेरे से पूछा कि तुम बादशाह से क्यों मिलना चाहते हो। मछेरे ने उसको पूरा माजरा सुनाया तो उस लालची दरबान ने मछेरे से कहा कि मैं एक शर्त पे तुम्हें अंदर जाने दूंगा कि तुम्हें जो भी इनाम मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा, यानी आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। अच्छा, मछेरे को गुस्सा आया लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं थी कोई, और वो अकलमंद भी था। कैसे अकलमंद था आगे जाके आपको बताती हूँ। उसने कहा ठीक है, और उसने सोचा कि दरबान से झगड़ना इस वक्त ठीक नहीं है, इस वक्त अंदर जाना ज़रूरी है। पहले दरबार में जाकर बादशाह से मिल लूँ, फिर इस दरबान के लालच का कोई इलाज करूँगा। अच्छा, मछेरा बादशाह के दरबार में पहुँचा और उसने बादशाह को मछली पेश की। बादशाह यकीनी तौर पर बहुत खुश हुआ मछली को देख करके, इस मछली से मेरा इलाज होगा, नायाब नस्ल की मछली है। बादशाह ने कहा कि मियाँ मछेरे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो। आपको पता है मछेरे ने क्या मांगा? उस मछेरे ने बादशाह से कहा कि मुझे 100 कोड़े मारे जाएं, यही मेरा इनाम है। अब ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ, जो जो वहाँ पे था वो सब हैरान हो गए। उसने मछेरे से कहा कि कैसा इनाम है कि कोड़े खाना चाहते हो तुम। उसने कहा बस हुजूर, आपने कहा था कि जो मांगोगे वो मिलेगा, तो मुझे यही चाहिए। बादशाह ने परेशानी में, हैरानी में जलाद को आवाज़ दी, जलाद को बुलाया और कहा कि आदमी बहुत अच्छा है, इसे कोड़े मारना मगर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरे लिए नायाब नस्ल की मछली लेकर आया है। यानी बादशाह को उस पर तरस भी आ रहा था और हैरत में भी मुब्तला था बादशाह। बादशाह ने कहा कोड़े मारना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जब जलाद कोड़े मारने लगा तो फिर मछेरा बोला कि हुजूर, मेरा इनाम में एक हिस्सेदार भी है, मैं उसे बुलाना चाहता हूँ। किसी का हिस्सा मारना अच्छी बात नहीं है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे बुला लूँ। बादशाह की इजाज़त से जब दरबान को बुलाया गया तो फिर मछेरे ने बादशाह के सामने सारी कहानी बयान कर दी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उस करप्ट और लालची दरबान को सबके सामने कस कस के 100 कोड़े मारे गए और मछेरे को उसकी सोच से ज़्यादा इनाम से नवाजा गया। अब कहने को ये कहानी है, लेकिन यही हमारे माशरे की हकीकत कहने, जहाँ बेज़मीर, करप्ट और लालची लोग करप्शन को अपना हक समझते हैं, करप्शन करते हैं हक समझ के। दरबान की तरह करप्शन करने वाले सिर्फ सरकारी अफसरान ही नहीं हैं, हमारे सियासतदान भी हैं बहुत। ये जब इक्तदार में होते हैं तो कमीशन, तोहफे, अपना हक समझते हैं, हक समझ के वसूलते हैं, लेकिन जब इनसे उसका हिसाब मांगा जाता है तो एहतसाब का कोड़ा सामने नज़र आता है, तो फिर ये लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। सियासी इंतकाम का हमें निशाना बनाया जा रहा है, तो पुराना को बदला लिया जा रहा है, ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। वैसे आपस की बातें भी सियासी इंतकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मैं अक्सर ही सोचती हूँ, आप भी ज़रा सोचिएगा कि इंतकाम तो आपसे तभी लेगा ना कोई, जब आपने किसी के साथ कुछ किया होगा। इन्होंने ऐसा क्या किया कि कोई इनसे इंतकाम लेगा? यानी इन्होंने कुछ ऐसा किया कि इनको लगता है कि अब कोई अगर करने की पोजिशन में तो इनसे इंतकाम लेगा? इस बात पर ज़रा जुमले पर गौर कीजिएगा। अब सियासी इंतकाम की आड़ में छुपने की बाकायदा कोशिश करते हैं, यानी जिनकी सूरत तक ये देखना गवारा नहीं करते, फिर उनकी बाहों में बाहें डालकर चलना शुरू कर देते हैं। अब आज दुनिया भर में एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है और हमारे मुल्क में करप्शन का हिसाब लेने पर सियासत में तूफान खड़ा कर दिया गया। ज़रा बात कर रहे थे पीडीएम की, जो जलसे करने के बाद अब इस्तीफे देने की धमकियों पर, तड़ियों पर आ गई। इसको धमकी और तमड़ी, तड़ी कहूँगी मैं, कि तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं बाकायदा।
एंटी करप्शन डे का मकसद करप्शन के खात्मे से मुतालिक आगाही देना है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा आप देख लें कि उल्टी गंगा बहती है। हमारे सियासतदानों को कुछ ही समझ ही नहीं आती। सितम देखिए, जुल्म देखिए कि पाकिस्तान में ऑपोजिशन की आदत अपनी कराने निकली है और हुकूमत को बकायदा तड़ियाँ लगाई जा रही हैं, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। आपने कहीं देखा ऐसा कि बाकायदा हुकूमत को, जो हुकूमत वक्त है, उसको धमकाया जाए, डराया जाए, खुलेआम तड़ियाँ लगाई जाए? मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपकी तड़ियाँ लगाने वाली उम्र है ये, देखिए ज़रा क्या कहते हैं। वैसे एक बात पूछूं नाजरीन आप सब से, जिस जिसने सुना कभी को मौलाना देखा लोगों को तड़ियाँ लगाता हुआ, ये अनोखे मौलाना साहब हैं। वैसे बहुत सी चीज़ों में अनोखे, यहाँ भी अनोखे, यहाँ भी अनोखे साबित हुए कि मौलाना साहब हुकूमत को खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं, तड़ियाँ लगा रहे हैं। मौलाना नहीं हो गए, कोई गुल्लू भट्ट हो गए? अब चले मौलाना साहब माने तो सही ना एटलीस्ट कि उन्होंने खुद मुल्तान हंगामा आई फसाद डालने की कोशिश की। आपको याद होगा नाजरीन के मौलाना साहब ने मुल्तान जलसे से पहले, ज़रा याद करें, रियासत से टकराव का सोच लिया था। मौलाना साहब अपने कारकुनान को बाकायदा नसीहत करते रहे कि जलसों में अगर पुलिस रोके तो उनसे महाजराई करें, यानी आप बड़ी पुलिस बन जाएं बगैर वर्दी के। कोई रास्ते में मुजामत करें तो कारकुनों को डंडे बरसाने की भी इजाजत थी कि डंडे मारें, फाड़ दें किसी का सर, ले लें कानून को हाथ में। ये मौलाना साहब ये लोगों को ये बातें सिखा रहे हैं। क्या कहूँ मैं मौलाना साहब आपसे, क्या कहूँ मैं मौलाना साहब? पहला सवाल तो ये कि आप होते कौन हैं डंडे बरसाने की इजाजत देने वाले? कौन सी अथॉरिटी हैं आप, बताना पसंद करेंगे कभी आप? आपकी 10 साल परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी कि अवाम भी हैरान हो गई, परेशान हो गई कि इतनी भी अच्छी परफॉर्मेंस कोई दे सकता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस थी ही ऐसी कि किसी को नज़र ही नहीं आई। तो जब कुछ नज़र ही नहीं आएगा और सुनता रहेगा कि आपने परफॉर्मेंस दी, तो हैरानी तो होगी, परेशानी भी होगी, और इसी वजह से अवाम ने आपकी खिदमात का सच्चे दिल से एतराफ़ किया और आपको पार्लियामेंट नहीं पहुँचाया। फिर आपको मिनिस्टर इनकलेव से निकाला गया, जिसका गुस्सा आज तक आप निकाल रहे हैं। बात आपको आज तक हजम नहीं हुई कि क्यों निकाला आपको मिनिस्टर इनकलेव से। लाखों की लस्सियाँ पीने वाला बंदा वहाँ से निकल जाए, इतनी फैसिलिटीज़ अवेल करने वाला बंदा वहाँ से निकल जाए, ऐसी की ठंडी हवाएं लेने वाला वहाँ से निकल जाए, तो हजम होना मुश्किल ही है। समझ सकती हूँ मैं आपकी सिचुएशन। अब आप हुकूमत को ताने देते हैं, ताने देते हैं कि उसने कश्मीर का सौदा किया। आप बताएं कि आप लंबे अरसे तक कश्मीर कमेटी के सरबराह थे ना, जिस कमेटी के आप सरबरा थे वो कश्मीर कमेटी थी, ऐसा ही है? आपने कश्मीर के खाते में लाखों रुपए की लस्सी पीकर कौन सा कश्मीर आजाद करवा लिया? किस तरह आप आ जाते हैं इस तरह की बातें करते हुए? अपने गिरेबानों में आप लोग झांकते ही नहीं है बात करने से पहले, और अब आप नवाज शरीफ की करप्शन के ढाल बनकर, मैं पूछ सकती हूँ कि किसकी खिदमत कर रहे हैं, किसकी खिदमत कर रहे हैं? और जहां तक आपके असेंबलियों से इस्तीफे के ऐलान की बात है, जिसको लोग लतीफ़ा कह रहे हैं, ये ऐसे इस्तीफे ऐसे दिए जाते हैं? इस्तीफे ट्विटर पे इस्तीफे दिए जा रहे हैं, क्या ये ड्रामा लगाया हुआ आप लोगों ने? ये इस्तीफे नहीं, ये लतीफे हैं। और पीपल्स पार्टी को इस बात पर आपसे शदीद इख्तलाफ है, क्योंकि आप लोगों में एक मंझी हुई पार्टी अगर कोई है ना, तो ये पीपल्स पार्टी है। मंझे हुए सियासतदान इस पार्टी में हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपका ये जो इस्तीफा कार्ड है ना आप लोगों का, ये चलेगा। आपको अंदर ही मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपकी दिली ख्वाहिश है, आपकी दिली ख्वाहिश है, दूसरी जमातों की नहीं है, ये भी ज़रा क्लियर कर लें। और मौलाना साहब इसलिए भी हुकूमत के खिलाफ बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नैब ने, आपको पता है नाज़रीन, नैब ने करप्शन पर इनके भाई के गिर्द बाकायदा घेरा तंग करना शुरू कर दिया है, और ख़ुद इनकी तरफ भी उंगलियाँ उठ रही हैं। मौलाना साहब के जो मुबैना फ्रंट मैन हैं ना, फ्रंट मैन, उनकी भी जो नैब में पेशियां हो रही ना, ये बात मौलाना साहब को सुकून नहीं लेने दे रही, नींद नहीं आ रही मौलाना साहब को, नींद उड़ी हुई है मौलाना साहब की रातों की। और हो सकता है कि कल को मौलाना के बारे में भी आप लोग को खबर सुने, बड़ी खबर, बड़ी खबर। अब करप्शन अगर आप लोग करेंगे और पेशियां भुगतेंगे, तो क्या जवाब है आप लोगों के पास कि आप लोग इस तरह अवाम के कंधे पर रख के दोबारा बंदूक चलाने के लिए निकल आए अपनी कुर्सियों के लिए? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मरियम और नवाज शरीफ की बात अगर मैं करूं, तो ये लोग, अच्छा सिचुएशन देखें, मरियम और नवाज शरीफ के, तो ये लोग मौलाना के पीछे पीछे चल रहे हैं, या पता नहीं सिचुएशन ये कि मौलाना इनके पीछे चल रहे हैं। अब ये समझना मुश्किल है कि ये मौलाना के पीछे चल रहे हैं, मौलाना इनके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी हुई है। जब सबको अपनी अपनी पड़ी होती है ना, तो फिर यही होता है जो हमारी सियासत में आजकल हो रहा है, पीडीएम के नाम पर तमाशा, ड्रामा। और मरियम और नवाज शरीफ का
बस यही कहना है कि उनको एहतसाब से डर नहीं लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता मरियम को और उनके वालिद को एहतसाब से। अगर डर लगता है तो लूटी हुई दौलत जेबों से निकलने से डर लगता है बाप बेटी को, कि जो जेबों में भरी थी ना इतनी कोशिशें करके, इतनी फ्रॉड करके, अब ये निकालने ना पड़ जाएं, बस वो निकलने से डर लगता है। अब यही वजह है कि शायद ककान अब्बासी साहब भी नैब पर सवाल उठा रहे हैं। ज़रा देखिएगा क्या कहते हैं अब्बासी साहब, वही घिसे पीटे गिले, वही घिसी पिटी शिकायतें, वही बातें, कुछ नया लेकर आए ना। आवाम भी थक गई सुन सुन के आपके पुराने घिसे पिटे गिले शिकवे, वही बातें। नैब मैग्नेट की तरह मुस्लिम लीग नून के पीछे पड़ गया। अब जाहिर सी बात है, मैग्नेट क्या होता है नाजरीन, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट का क्या काम होता है, मकनातीस मैग्नेट क्या करता है? जहाँ करप्शन की कशिश होगी वहाँ नैब का मैग्नेट पीछा तो करेगा, कशिश होगी ना करप्शन की तो मैग्नेट पीछा करेगा। वो आपको याद है एक नन्ना बच्चा है, उसकी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं, बड़ी मशहूर होती हैं, अपने खूबसूरत अंदाज में कह रहा होता है पीछे देखो पीछे देखो। आई थिंक अहमद नाम है उनका, अहमद शाह, बड़ा क्यूट सा बच्चा है। वो कहता है पीछे तो देखो पीछे देखो, और बड़े प्यारे स्टाइल में कहता है, बड़ी मासूमियत के साथ। ठीक इसी तरह शायद ककान अब्बासी साहब, आप मुल्क की तबाही बर्बादी की फिक्र छोड़ें, ज़रा पीछे तो देखें, पीछे देखें। मैं आपको अहमद के स्टाइल में नहीं कहूँगी क्योंकि आपकी हरकतें नहीं है कि आपसे को प्यार से बात करें, पीछे देखें आप, क्योंकि नैब आपके करप्शन केसेस का पीछा कर रहा है। आपके तो कायदे मोहतरम कहते नहीं थकते कि लगता है कि नैब के पर काटने पड़ेंगे। मतलब इतनी गुंडागर्दी कि जो इदारा आपके साथ ताबून ना करे उसके पर काट दिए जाएं, और खुलेआम नाप तड़ियां लगाते हैं, ये लेवल है आप लोगों का। तो फिर उस वक्त नैब के पर काट लेने थे ना, क्या उस वक्त आपकी जो छुरी है उसको जंग लग गया था कि आपसे पर काटे नहीं गए? या फिर आपको इस बात का गुरूर था, तकब्बुर था कि आप लोग इक्तदार की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, इक्तदार की ऐनक पहनते ही आप लोगों को बाकी सब लोग, अफसोस के साथ कहूंगी, आप लोग करते रहे, आप लोगों की बहुत सी बातें हैं जिनको आप मिटा नहीं सकते, कि आप लोग जब इक्तदार की ऐनक लगाते हैं आप लोगों को कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं कीड़े मकोड़े हैं। और शायद अब ये जो गुरूर है, ये जो तकब्बुर है, ये लालच है, इसने आप लोगों को मुश्किलात में डाला हुआ है। गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है, याद रखिएगा। सियाने ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कह के चले गए, उनका जो एक एक जुमला है ना वो उनकी जिंदगियों का निचोड़ है। गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। और जहाँ तक आपको मुल्क की तबाही और बर्बादी की फिक्र खाए जाने की जो बात है, ये भी बड़ा ड्रामा तमाशा फिक्र है, अवाम की फिक्र है, देख ली कितनी फिक्र है। तो बराए मेहरबानी एक जुमले में कहूंगी, नाटक बंद करें, फिल फॉर बंद करें, जितनी जल्दी हो सके बंद करें ड्रामा। और जहाँ तक नैब की जो परफॉर्मेंस है उसका सवाल है, तो उस पर वाकई बहुत सारे सवालियाँ निशान लगते हैं। चेयरमैन नैब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, आपने चेयरमैन नैब साहब को सुना कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, मेरी दो तीन बार इनसे बात हुई और ख़बर के सिलसिले में हमारा इनसे रबता भी होता है, और इन्होंने मुझे जो बोला, मैंने बोला कि मैं टीवी पे कोट करूँगी, मैंने शायद पहले भी बताया था नाज़रीन कि इन्होंने मुझे फ़ोन कॉल पर बोला कि फिज़ा देखें, हम जितने भी लोगों को पकड़ते हैं उनमें कोई दूध का धुला नहीं है। तो मैंने सवाल पूछा जो सबके जहन में आएगा कि फिर वो जब छूट जाते हैं तो आपकी प्रोसिक्यूशन वीक होती है, आप लोगों का होमवर्क इनकम्प्लीट होता है, या क्या होता है कि जब जारी बात है जब छूटेगा कोई तो फिर वो तो विक्ट्री साइन बनाएगा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी जो कि उसकी जीत होगी। और फिर मैं ये नहीं कहती कि वो सही कहते हैं, लेकिन क्या कहें कि मतलब कुदरती तौर पर कुछ ऐसा हो जाता है कि जब वो छूट जाते हैं और विक्ट्री साइन बनाते हैं और स्माइल दे रहे होते हैं तो जश्न मनाया जा रहा होता है, तो फिर आप लोगों का जो आपकी टीम है उसके ऊपर सवालिया निशान आता है, नैब पर, इदारे पर सवालिया निशान आता है। और फिर अपोजिशन तो बार बार कहती है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, और फिर इसकी बहुत बड़ी वजह मैं कहना चाहूँगी, इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इमरान खान साहब, आप ज़रा अपनी टीम पर गौर करें। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आपकी 22 साल की स्ट्रगल है, आपकी 22 साल की जिदोजहद है, बहुत से लोग ऐसे आपके साथ सामने आए जिनको लोगों ने आपके नाम पर वोट दिया, लोग उनको नहीं जानते, अवाम उनको नहीं जानती, अवाम जानती है इमरान खान साहब को जो कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की, जिन्होंने 22 साल बाकी स्ट्रगल की, जो करप्ट नहीं है, जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, नजर आती है आपके चेहरे पे मुल्क से मोहब्बत, आपकी आंखों में नजर आता है कि आप मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी बहुत सी गलतियाँ, एक तो कि वो बोलने से पहले सोचते नहीं, वो कुछ भी बोल देते हैं, और बहुत से ऐसे हैं, मैं यकीन से कहती हूँ कि बोलने के बाद भी नहीं सोचते होंगे। जब आप मुझे बताएं कि अगर कोई वजीर या कोई मुशीर या कोई भी बंदा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बात करेगा, आवाम से इजहार ख्याल करेगा, और वो ये पहले बता दे कि अब इसके गिर घेरा तंग होने वाला है, अब नैब उसको पकड़ लेगा, अब ये हो जाएगा, तो बताइए ना फिर क्यों सवाल जहन में नहीं आएगा कि आपको क्या नैब के चेयरमैन ने कॉल करके बताया था
ये बात भी मैंने की थी चेयरमैन नैब से, ये मैंने उनसे बात की थी। एनीवे आगे चलते हैं जी। अब ये जो वजीर आजम साहब हैं वो भी बाकायदा ये कह चुके हैं कि जो नैब है इसका जो एहतसाब करने वाला जो साबुन है वो बड़ा स्लो हो गया है, बड़ा सुस्त हो गया है और एहतसाब पर सवालिया निशान तो लगेंगे। अब जब नैब की इतनी जो कमज़ोर प्रोसिक्यूशन होगी, यानी एक के बाद एक मुलजिम बरी होता चला जाएगा, तो ऐसे में लोग पूछेंगे ना कि नैब आखिर क्या कर रहा है, कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कुछ कर रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है, जो बताया जा रहा है वही कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं। चेयरमैन नैब कहते हैं कि हमारी अव्वलिन तरजीह है कि एहतसाब के जरिए मुल्क में करप्शन का खात्मा हो, तो फिर नैब की एहतसाब की जो तलवार है सिर्फ मुलजिमान पर लटकती क्यों रहती है, चलती क्यों नहीं है? आज मैं दोबारा पूछती हूँ क्यों नहीं चलती? वज़ीर आज़म के बारे में ये कहा जा सकता है कि जी वो सियासी शख्सियत हैं, नैब की कारकर्दगी पर तो सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुकी है, उसका क्या जवाब है? चीफ जस्टिस की रिमार्क्स किसी को भूले नहीं है कि करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का आगाज ही नैब के दफ्तर से होता है, कानूनी पहलुओं का तफ्तीशी अफसरान को पता ही नहीं होता और इस तरह बरसों तहकीकात चलती रहती हैं। नैब फेसिस की बजाय केसेस देखता है। जावेद इकबाल साहब, आपकी ये, अब मैं क्या बोलूँ, मैं एहतराम करती हूँ आपका, बड़े हैं आप, इसको डायलॉग बाजी ही कहूँगी मैं अफसोस के साथ, ये आपकी जो तो डायलॉग बाजी है, ये सुन सुन के लोग थक चुके हैं, बेजार हो गए हैं, जुमलेबाजी से अब आप लोग बाहर निकलें, अब कौम को एहतसाब करके दिखाएं। कहते ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आप कि जो अमली इकदाम होंगे आपके अल्फाज से ज्यादा अहमियत रखेंगे, लेकिन अफसोस ये कि हमारे यहाँ जो भी आता है वो जबानी जमा खर्च पर यकीन रखता है, यानी वो बोलता चला जाएगा, करके नहीं दिखाएगा। करके दिखाएं ना तो आपको बोलने की जरूरत बोलेंगे, आप परफॉर्मेंस दिखाएं, मैं बोलूंगी कि वाह क्या बात है नैब की, लोग बोलेंगे आपकी तारीफ करेंगे, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको बोलने की जरूरत तभी होगी जब आप वीक होंगे। कहते हैं ना सफाइयां देना, सफाइयां देने की जरूरत होगी, जब आप लोगों की परफॉर्मेंस होगी किसी भी फील्ड में, किसी की परफॉर्मेंस होगी तो लोग बोलेंगे, लोग उसकी तारीफ करेंगे। अगला क्लिप चलाइएगा। ये जिस तरह बोल रहे हैं ना, मैं अभी ये क्लिप चलाने से पहले चेयरमैन नैब साहब आपसे मुखातिब थी कि जिस तरह ये बोल रहे हैं ना, एक मिसाल आपके सामने ही है, इनका कॉन्फिडेंस फिर बढ़ जाता है, फिर ऐसे जुमले आप लोगों को सुनने पड़ते हो, कैसा महसूस होता है कभी बताइएगा मुझे। अब क्या कह रहे हैं जी, लाहौर जलसे में दमादम मस्त कलंदर होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा, हुकूमत की टांगे कांप रही हैं। आपको ऐसी बातें मेरे ख्याल से जेब नहीं देती, आपके जो मफरूर वजीर खजाना है उनके हार्ट टॉक में किस तरह से तोते उड़े हुए थे बकायदा, इसको कहते हैं तोते उड़ना, जो शक्ल थी सागदार साहब के पसीने छूटे हुए थे, समझ नहीं आ रही थी उनका, बस चलता भाग जाते वहाँ से, लेकिन उसमें भी बेइज्जती थी, जिल्लत थी, तो कहा चले अब सामना करते हैं, अब आ गए हैं तो अब वो मंजर जो है क्या पूरी दुनिया ने नहीं देखा, किस किस को सफाइयाँ देंगे और दे रहे होंगे आज तक, आप लोग देते नहीं, थक रहे आप सफाइयाँ तो देनी आती हैं आप लोगों को, वो भी सही तरह से नहीं। अब ऐसे ऐसे हार्ड सवाल पूछे गए उसमें, गोरे एंकर ने ऐसे ऐसे हार्ड सवाल पूछे कि मुझे सागदार साहब की हालत देख कर यकीन जानिए, कभी तरस आता था, कभी मुझे दुख सिर्फ ये होता था दुख कि ये बंदा पाकिस्तान को रिप्रजेंट कर रहा है, ये पाकिस्तान की सियासत का एक मेन शख्सियत आप समझ लें, एक बड़ी शख्सियत, और जो हमारे 3 बार वजीर आजम रह चुके, जो इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, जो वहाँ से तड़ियाँ लगाते हैं लोगों को, खुद इतनी हिम्मत नहीं कि आके अदालतों को फेस करें, अदालत इश्तिहारी फरारी करार दे चुकी है लेकिन आते नहीं हैं, बस वहाँ बैठ के दूर से तड़ियाँ लगाते हैं, दूर से बैठ के बात करना आसान होता है ना, आके फेस करें, और उनके ये समझी हैं, आप सोचें कि ऐसी शख्सियत जब वहाँ बैठ के ये सब करेंगी तो बतौर पाकिस्तानी तकलीफ भी होगी, अजियत भी होगी, दुख भी होगा, लेकिन इसाकदार साहब की हालत देखकर पूर पता चल रहा था कि वो पहले की तरह फिर से हॉस्पिटल के वार्ड में दाखिल ना हो जाएं, यानी हार्ट टॉक में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए। और नाज़रीन आपको याद होगा ये जो मफरूर डार साहब हैं, ये पहले भी कमर दर्द का, आई थिंक कमर दर्द का गालिबन बहाना करके हॉस्पिटल में दाखिल रहे हैं, और बहाने भी इनको बड़े अच्छे आते हैं, एक तो सफाइयाँ देनी आती हैं वो भी सही से नहीं, लेकिन बहाने अच्छे कर लेते हैं। इसाकदार साहब तो वो शख्स हैं जिन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया था, आपको याद होगा कि मौसूफ नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बने और उन्होंने इतराफ़ किया कि वो नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, और अब हार्ट टॉक में उनके जो निकलते पसीने थे इस बात की गवाही दे रहे थे वो पसीने चीख चीख कर कि नवाज शरीफ का दामन साफ नहीं है। अब यही वजह है ना कि जो बेवजन दलीलें हैं उससे अपने कायद को साफ सुथरा साबित करने की ये जो नाकाम कोशिशें हैं वो आप कर रहे होते हैं, चला दिया है, देखिए जी मेरी टीम ने, देखें ज़रा शक्ल देखें, जो सच होता है ना वो चेहरे पे नजर आता है, आवाज में सुनाई देता है, आंखों में दिखाई देता है, बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, कॉन्फिडेंस नजर आता है, और जो झूठा होता है बस आप देख लें सागदार साहब को। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत की अगर मैं बात करूं तो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है और सब नज़रें लाहौर में जो 13 दिसंबर को होने वाला जलसा है उस पर लगी हुई है कि आखिर होने क्या जा रहा है, कितना बड़ा ये जलसा होगा, जितने बड़े दावे हैं क्या उतना बड़ा जलसा होगा। क्योंकि ऑपोजिशन क्या कहती है, ऑपोजिशन कहती है कि 13 दिसंबर की रात को शायद कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद आवाम जब सुबह सोकर उठेगी तो मुल्क में शायद दूध और शहद की नहरें बहती देखेगी। मरियम बीबी की अगर बात करें तो उनके मुताबिक 8 दिसंबर को आपको याद होगा आर या पार होने वाला था, लेकिन ना आर हुआ ना पार, बल्कि उल्टा पीडीएम की जो कश्ती है वो मंझधार में फंसी दिखाई दी। हर तरफ से आप इस्तीफों की आवाज़ें सुन रहे होंगे और जो पीडीएम के सरबर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके बयान के बाद ऑपोजिशन अराकीन असम्बली की जानिब से इस्तीफे देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जो पार्टी क्यादत को भेजे जा रहे हैं। अब मेरा सिंपल सवाल ये कि क्या ऐसे दिए जाते हैं इस्तीफे, बल्कि मैं कहूंगी कि इन इस्तीफों को विफाकी वुजरा जो लतीफे कह रहे हैं शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हिम्मत है तो स्पीकर को देकर दिखाएं ना इस्तीफे। स्पीकर साहब तो दूर की बात है, अंदर की जो खबर है वो ये है कि पार्टी की आदत को इस्तीफे देने पर भी पीडीएम में इख्तलाफ है। अब आप बताएं जो एक फैसला मिलकर नहीं कर सकते, क्या ये गिराएंगे हुकूमत? पहले खुद तो एक हो जाएं, खुद तो पावरफुल हो जाएं। जब आप एक होंगे इत्तेहाद होगा, आप पावरफुल होंगे फिर आप गिराएंगे ना हुकूमत। अब एक सिंपल सी गुजारिश है लोगों से कि पहले आप सब आपस में एक पेज पर आ जाएं, फिर मेरे ख्याल से शायद आप हुकूमत गिराने की बातें करते हुए अच्छे लगेंगे। और एक और बात, जब कोरोना आपको याद होगा तब इन्हीं लोगों ने हुकूमत पर तनकीद की थी कि हुकूमत लॉकडाउन में नरमी कर रही है, और अब जबकि मुल्क में कोरोना के केसेस हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़े, पहली वेव से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही सेकेंड वेव, तो अब यही लोग जलसा खेल रहे हैं। क्या ये आवाम की सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ नहीं खेल रहे हैं? अब कहाँ गई आवाम से इन लोगों की मोहब्बत? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसी मोहब्बत है। ये लोग करना क्या चाहते हैं, कहते हैं कुछ हैं करते कुछ हैं, इनके कॉल और फेल में बाकायदा तजाद है। ये इस्तीफे देंगे तो हुकूमत इंतखाबात करवा के और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी शायद। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तमाम चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, इस्तीफ़ों की और एहतजाजी जो हिकमत अमली है इसमें पीडीएम की आदत में आपको भी पता है कि शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं, तमाम लोग एक पेज पर नहीं हैं, फिर ये कहते हैं कि हुकूमत गिरा देंगे। मुझे तो वो लकड़हारे वाली एग्जांपल याद आ गई कि वो लकड़ियां जब इकट्ठी थीं तो वो नहीं तोड़ सका था, जब बाप ने कहा कि लकड़ियां अलग अलग करेंगे तो ये टूट जाएंगी आसानी से, टूट गए। उन्होंने एक सबक दिया कि जब इत्तेहाद होगा इत्तेफाक होगा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो कोई इत्तेहाद ही नहीं है, पहली लकड़ियाँ बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में मुझे बात करने का। जी, आपकी गुफ्तगू मैंने बहुत गौर से सुनी है, बहुत सारी बातें आपकी बहुत ठीक हैं, लेकिन बहुत बातें जो हैं उसकी वजाहत की बहुत ज़रूरत है। जी प्लीज़। देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत के खिलाफ वही नुस्खा इस्तेमाल होने जा रहा है कल जो नुस्खा उन्होंने नून लीग की हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल किया था। इसी तरह के एहतजाज हुए थे, इसी तरह के धरने हुए थे, इसी तरह के जलसे हुए थे, इसी तरह के जुलूस हुए थे। तो एक तो अगर वो समझते हैं कि वो बहुत प्रॉपरली सेटल्ड हैं हकूमत में तो फिर तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल, लेकिन उनकी बुखलाहट और उनकी परेशानी जो है वो बहुत सी चीज़ों से बिल्कुल आया है। मैं कोशिश करता हूँ उसको सम अप करने की आपके लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि शुरू में ये कहा गया कि ये पीडीएम जो है एक तो बनेगी नहीं, बनेगी तो चलेगी नहीं, चलेगी तो कामयाब नहीं होगी। ये सारी बातें हमने मशीरों से, वज़ीरों से, इमरान खान साहब से बीसियों मरतबा सुनी है। फिर कहा था जलसा नहीं करने देंगे, हुकूमत ने अपनी रेट का बेड़ा गर्क खुद किया है। मैं तो आपको यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर पीडीएम की मूवमेंट सक्सेसफुल होती है तो इसमें उनका कमाल कम होगा और हुकूमत के बेवकूफाना फैसलों का और इनके गैर जिम्मेदाराना इकदाम का होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आपने कहा मानसरा का जलसा नहीं करने देंगे, डीसी साहब ने कहा 44 लगा दिया, जो आएगा गिरफ्तार होगा। उसके बाद वो धड़ल्ले से जलसा हुआ, हालांकि वो कैप्टन सफदर के लेवल पर था, आपने देखा उसमें कितने लोग आए, किसी का कुछ नहीं किया, ना किसी को जेल भेजा, ना किसी के खिलाफ पर्चा हुआ। फिर आपने कहा हम गुजरांवाले का नहीं करने देंगे, फिर गुजरांवाले सब ने भी काम किए, आपने कैप्टन सफदर पर भी मुकदमा जाया कायम किया, वो भी हो गया, फिर कराची हुआ, फिर कोयटा हुआ, और फिर मुल्तान में आके आपने कहा कि नहीं जनाब अब तो हम इन्हें मसल दिखाएंगे अपने, इनकी ऐसी की तैसी हम देखते हैं कैसे करेंगे जलसा। तो वो सारे इकदाम जो हुकूमत से किए जा सकते थे, चाहे वो शहर को कंटेनरों के ज़रिए सीज करना था, चाहे वो धमकियां देना था, चाहे वो गिरफ्तारियां थी, जो भी इकदाम कर सकते थे वो किए, और इसके बावजूद इतनी आसानी से पिछड़ गए अपनी इस पोजीशन से, वापस हो गए कि जलसे से 2-3 घंटे पहले आशिक अवान साहिबा ने कहा कि हमें इंसानों की ज़िंदगियाँ बहुत अजीज़ हैं,
इसलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी किस्म का क्लैश हो, लेकिन ये भूल गए कहते हुए कि जो हुकूमत ने पोजीशन ली थी उससे वापस जाना ये उनके लिए कोई नेक फाल होने नहीं जा रही। यही वजह है कि मुल्तान के जलसे के बाद अब वो कह रहे हैं कि लाहौर का जलसा हम बहुत बड़ा करेंगे। जितनी मर्जी पाबंदियाँ लगा लें, धमकियाँ हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, जलसा ना कामयाब कराएगी तो हुकूमत कराएगी, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ आपको। इसलिए कि जो छोटे छोटे हटकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह पानी छोड़ दिया वहाँ पर, फिर डीसी ने कहा हम इजाजत नहीं देंगे, अभी तक इजाजत मिली भी नहीं। अच्छा, बुखारी से सॉरी, मैं अभी बात काट रही हूं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती, पूरी बात आपको एक आखिरी बात अर्ज कर दूं। जी जी, एक आखिरी बात यह है कि लाहौर जो है वो नून लीग का गढ़ है और ये गढ़ तस्लीम शुदा है। 14 सीटें यहाँ पर नेशनल असेंबली की, जिसमें से 12 उनके पास है, उनका हब है, वो उनकी प्रेस्टीज का भी इशू है, उनके पास यहाँ फैन फॉलोइंग भी है और फिर 11 जमातें जैसी कैसे भी है, मैं कहता हूँ 200 बंदे लेके आएंगी, लेकिन बहरहाल वो उनके साथ हैं। शो तो ये बहुत बड़ा होने जा रहा है, कुछ क्रेडिट इसका आप पीडीएम को दीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर क्रेडिट मैं इसका पीटीआई और उसकी पंजाब हुकूमत की इसको हैंडलिंग के लिए देने के लिए तैयार हूँ। तो ये जलसा आगे क्या रंग लाएगा जाके, उसके लिए मैं इंतजार करता हूँ आपके अगले सवाल का। जी अच्छा बुखारी साहब, आपकी बात से मेरे जहन में एक सवाल आया कि आपने अपने तजिये में बात ये बार बारह कही है कि आपको ये लगता है कि ये जो जलसा अगर कामयाब होता है या पीडीएम की तहरीक कामयाब होती है, उसमें बहुत बड़ी जो वजह है वो पीटीआई की अपनी कमजोरी हो सकती है, हुकूमत की अपनी कमजोरी हो सकती है, यानी हुकूमत इसको कामयाब करवाएगी। अब एक सवाल है कि जो इस तरह के आप हथकंडों की बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि जो अंदर लोग हैं हुकूमत में, वो जो मुशीर हैं, मुआवनीन हैं, अच्छी खासी बड़ी एक फौज है, कि वो इतने लोग हैं, वो जो मशवरे देने वाले हैं हुकूमत को, मुआवनीन खास तौर पे, मुशीर जो हैं, जितने वुजरा हैं, जितने लोग कैबिनेट में हैं, आपको लगता है कि वो गलत मशवरे दे देते हैं खान साहब को, या फिर ये परफॉर्मेंस की कमी हो सकती है, या फिर आप इसको नाअहली कहते हैं, या अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई जाती है, या फिर आप कह सकते हैं पहली बार हुकूमत करें तजर्बे की कमी है, या फिर अंदर ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के ऐसी गलतियाँ करवा देते हैं? देखिए, दो तीन चार बातें आपने खुद ही कह दी हैं, मैं उसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आप मुझे इजाज़त दें जी। जो ये इल्ज़ाम लगा इमरान खान साहब के ऊपर कि नियाजी और नैब का गठजोड़ है, उसको साबित करने के लिए सवाए प्राइम मिनिस्टर के मशीरों, वजीरों और तर्जमानों के किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो आके बताते थे कि इतने दिन के बाद फलां गिरफ्तार हो जाएगा, इस बंदे को इस जुर्म में इतनी सज़ा मिलेगी, फलां जेल में भेजा जाएगा, वहाँ कमरा तैयार हो रहा है, तो वो साबित करते थे हर रोज़ बैठ के टीवी प्रोग्राम्स में कि हाँ जनाब, हम नैब वही कुछ कर रहा है जो हम चाह रहे हैं और जो हम कह रहे हैं वही होगा। यही हाल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है, जब वो अपने असम्बली में खड़े होके बाहर अपने टीवी टॉक शोज़ में या कौम से खिताब करते हुए कहेंगे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सारे जेल जाएंगे, जेलें भर दूंगा। भाई खुदा के वास्ते, एक तरफ आप कहते हैं नैब इंडिपेंडेंट है, आप कहते हैं अदलिया इंडिपेंडेंट है, तो फिर आपको ये नारे मारने की क्या ज़रूरत है? करने देना उनको, अपना काम वही कर रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। तो इस तरीके से बाई डिफ़ॉल्ट प्राइम मिनिस्टर साहब की सबसे बड़ी गलती मेरे नज़दीक ये है कि उन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी का प्रोपेगेंडा जो है उसको बिलीव करना शुरू कर दिया है। ये सुबह से शाम तक बैठ के दो चीज़ें उनको बताते हैं, एक ही कि ऑल इज़ वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये फरमा देते हैं कि बशीर ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर साहब मान जाते हैं और कौम को मनाने शुरू कर देते हैं कि भाई साहब बशीर तो बिल्कुल ठीक है। गरीब आदमी की चीखें निकल रही हैं, उसकी ऐसी तैसी फिर गई है, महंगाई कंट्रोल में नहीं है, बेरोजगारी कंट्रोल में नहीं है, बशीर ठीक है, पता नहीं कौन सी बशीर ठीक है। अगर आप इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे तो आपका गैप तो कम हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, जब आपकी एक्सपोर्ट्स थोड़ी बहुत बढ़ेंगी और आप मंगा कुछ नहीं रहे ना, आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ आपकी बंद हुई हुई हैं, तो वो गैप तो बढ़ जाएगा। ये तो कोई कमाल नहीं है। अच्छा बुखारी, कमाल ये है कि आपको चेक करना था लोगों ने कि फाइव ठीक है। गुफ्तगू जरा दूसरी साइड पे चलेगी तो मैं यहाँ से एक सवाल निकालना चाहूंगी कि आपने बड़ी अच्छी बात ये की कि अंदर कुछ लोग इस तरह के हैं। अब जैसे फवाद चौधरी साहब मेरे जहन में आ रहे हैं, शहबाज गिल साहब, देखिए जो लोग इलेक्टेड भी नहीं, शहबाज गिल की अगर बात करें, आए हैं बस जैसा पैराशूट की तरह आके बैठ गए हैं और ऐसे समझते पता नहीं इस तरह पूरा तख्त ही उनका बादशाह सलामत है वो, इस तरह के लोग ना बात करने से पहले सोचते हैं और ना बात करने के बाद सोचते हैं। हुकूमत में जब आप होते हैं तो आपको लगता है कि आपकी बर्दाश्त का ये लेवल होना चाहिए कि आप कुछ भी बोलना शुरू कर दें, जरा सी बात पर आप सीखपा हो जाएं, ईंट का जवाब आप पत्थर से दें? ऐसे लोग कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं इमरान खान साहब के लिए और उनकी 22 साल की स्ट्रगल को, ये कितना मेरे ख्याल से वो एक F-16 तैयारी की तरह ऊपर आ रहा था, लेकिन ये टाइटैनिक बनाने के लिए तुले हुए इमरान खान साहब की स्ट्रगल को। ये बिल्कुल आपने, मेरे ख्याल से आपने सम अप कर दिया है बिल्कुल, और मैं मुकम्मल तौर पे आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो उनकी अचीवमेंट्स थी, जो उनकी पर्सनालिटी का एक सहर था, उसको अंडरमाइन करने के लिए उनके दुश्मनों का कोई क्रेडिट नहीं है। उनके बगलों में बैठे हुए जो दोस्त हैं वो सुबह से शाम तक उनके उस मिशन को भी ऐसी तैसी कर रहे हैं, और जो सही ग्राउंड रियलिटीज़ हैं
खुद से वो इमरान खान साहब की नज़रों से ओझल करने के लिए सुबह से शाम तक बबांगते रहते हैं तमाम चैनल में बैठ के, कोई ढंग की बात होती नहीं है। हमें इस जमात के सबसे बड़े तर्जमान फैजुल हसन चौहान ने बताया कि इस मुल्क के जितने शोबे हैं उन सब के पीछे वर्दी है, इस मुल्क में जो काम हो रहा है उसके पीछे फ़ौज है। तो उन्हीं से कोई पूछता अगर कि भाई साहब फिर आपकी हुकूमत क्या कर रही है, तो ये जो इस तरह के जो मेहरबान हैं ना इमरान खान साहब के, उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया और उनकी सारे मिशन की ऐसी तैसी की है। अभी भी वक्त है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपनी ज़िद और एरोगेंस को छोड़ें और अपोजिशन को इस स्टेज पे एंगेज करें। लाहौर से निकलने वाली बात बाद में काबू नहीं आएगी, मैं आपके प्रोग्राम में ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, इसलिए कि अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये समझते हैं कि PDM का इकट्ठा होना, इसका बनना, इसका सक्सेसफुली इतने जलसे करना, मीडिया का दिखाना, ये बगैर किसी क्वार्टर की सपोर्ट के नहीं है। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। आपको लगता है कि सपोर्ट है किसी की, इतना कॉन्फिडेंस जो है? अच्छा, इसके बगैर कभी आज तक हुआ है? यही अच्छा, मरियम नवाज इसी लाहौर में रहती थी पिछले 1.5-2 साल से खामोश थी। अच्छा बुखारी साहब, लॉन्ग मार्च को आप कैसे देखते हैं? लॉन्ग मार्च हो तो ये इसके क्या फिर नतीजे निकलेंगे, क्या देखते हैं फिर आगे? अभी तो कहते हैं मोहम्मद जुबैर साहब ने भी कहा कि जनवरी में हुकूमत नहीं होगी, आपको लगता है कि हुकूमत चली जाएगी? आपको धरने भी याद होंगे, किसने यहाँ पे धरने नहीं दिए? यादगार धरना था 126 दिन का, इमरान खान साहब ने जब दिया था, ताहिरुल कादिर साहब ने धरना दिया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया था। अब धरने को चलो इन्होंने ऑप्शन को अवेल नहीं किया, अभी जलसे, उसके बाद PDM जलसों के बाद अब डायरेक्ट इस्तीफे दिए जाएंगे, तो आपको लगता है किस तरह हुकूमतें वाकई चली जाती हैं, किसकी हुकूमतें इस तरह गई? देखिए मैं तारीख का स्टूडेंट हूं और मैं आपको हवाले दे सकता हूं अगर आप चाहें जल्दी जल्दी से, बहुत कम वक्त में। अयूब खान साहब जो हैं वो UDF की तहरीक के नतीजे में गए, 4 आने चीनी महंगी हुई थी, मुल्क का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्टेटर जो डिकेड ऑफ डेवलपमेंट मना रहा था उसको घर जाना पड़ा। उसके बाद भुट्टो साहब आ गए, बहुत माइटी थे, PNA की मूवमेंट ले डूबी उनको। फिर उसके बाद ज़ियाउल्लाह आ गए, PDM बना है और उसके जो ये जिसको हेड करे मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो PNA बना था उस इत्तेहाद को लीड किया था मुफ्ती महमूद साहब ने, जो खुद इनके वालिद थे, 9 जमातों का इत्तेहाद था भुट्टो साहब के खिलाफ जो बना था, आपको लगता है जो PDM की इंस्पिरेशन है मौलाना साहब ने वो अपने बाप से ली, PNA से ली, मुफ्ती महमूद साहब से ली? देखिए कुछ तो खिजा है बायसे बर्बादी चमन और कुछ बागवान का हाथ भी इसमें ज़रूर है। एक तो PDM बनी, किसने बनाई, कैसे बनी, ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर हुकूमत जो है, जो ज़्यादातर कसूर है वो हुकूमत के मशीरों वज़ीरों का है जिन्होंने अपने गैर जिम्मेदाराना ना तजर्बाकाराना। अच्छा बुखारी साहब, अगर आपकी बात से मैं 1 मिनट के लिए अग्री करूँ, आप कह रहे हैं कि इनको सपोर्ट है किसी की, अब ये अगर किसी की सपोर्ट है तो ये उन्हीं किसी से बात करने के लिए तरसे जा रहे हैं? ये अपने जलसों में अलग ऐलान किया चुकी मरियम साहिबा की इमरान खान से बात नहीं होगी, और जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान को लाने वाले कोई और इनके बकौल, हालांकि इलेक्शन लड़के वो आएँ, तो ये कहते हैं कि जी उनसे बात होगी जो बड़े हैं और इमरान खान से हम बात नहीं करेंगे। अगर इनको बड़ों की सपोर्ट है आपके मुताबिक, तो फिर बात क्यों करने के लिए मरे जा रहे हैं, तरसे जा रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं? आपकी इतला के लिए मैं अर्ज़ करूं कि पिछले कई जलसों से और अब तो ख़ास तौर से बहुत कंसिस्टेंटली जो PDM की क़ियादत है और PDM के तमाम लीडर हैं वो कहते हैं कि इस हुकूमत से तो बात हो ही नहीं सकती। क्या ये बहुत वाज़े इशारा नहीं है जिस तरफ की गुफ्तगू मैं कर रहा हूं? अगर इनको अगर PDM वालों के पीछे किसी बड़े की सपोर्ट है तो फिर ये उन बड़ों से बात क्यों करना चाहते हैं? अगर इनको ऑलरेडी इनकी सपोर्ट है तो ये क्यों मरे जा रहे हैं कि हमसे बात करें बड़े? आपको किसने कहा है कि ये उनसे बात नहीं करना चाहते? उन्होंने तो कहा है हम उनसे बात करेंगे जो इनको लेके आए हैं, हमारी तहरीक भी उनके खिलाफ है। यानी ये तो बात करना चाह रहे हैं, बात होगी तो कोई रास्ता निकलेगा, आप यकीन रखें इस बात का। ये तो बल्कि कहते हैं कि हमारी लड़ाई इमरान खान से है, आप भी समझ रही हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूं। बुखारी साहब चले आगे चलते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद थे आपके वक्त के लिए। आपके बुखारी साहब मेरे ख्याल से मेरे सवाल को गोल कर गए। मैं कहना यही चाह रही थी कि अगर बुखारी साहब को लगता है कि उनको सपोर्ट है किसी की, PDM को किसकी सपोर्ट है, आपको पता बुखारी साहब क्या कहना चाह रहे थे, तो अगर उनको सपोर्ट है तो फिर वो क्यों मरे जा रहे हैं कि हमसे कोई बड़े बात करें? बकौल इनके कहते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, उनको लाने वाला कोई और है, हमारा इमरान खान साहब से कोई मुकाबला नहीं है, हमारा उनके बड़ों से मुकाबला, उनको लाने वालों से मुकाबला, बकौल उनके खुलेआम वो जो कहते हैं कि सिलेक्ट करने वालों से मुकाबला, जिस तरह ये कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं सिलेक्ट होने के कलेक्टेड बंदे पर, तो फिर अगर बकौल बुखारी साहब आपके कि अगर उनको उनकी सपोर्ट हासिल है तो फिर ये उन्हीं की मिन्नतें तरले करें कि हमसे बात करें? PDM को किसी की भी सपोर्ट नहीं है और ये PDM अपनी मौत ही मरेगा, आप देख लीजिएगा अपनी बेवकूफियों की वजह से। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी सदीक जान। सदीक, क्या है आज की आपकी बड़ी खबर? जी, आज की बड़ी खबर तो यही है कि कल जब पीडीएम का इजलास हुआ, उस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें ये नहीं बताया गया था कि आज भी कोई बैठक होगी, आज भी कोई मुलाकात होगी। लेकिन कल रात जब नवाज शरीफ का रब्ता हुआ मौलाना फजल रहमान से, और नवाज शरीफ ने बात की मरियम नवाज से, मरियम ने मौलाना साहब से कहा, और फिर मौलाना और मरियम दोनों ने बिलावल को एक मरतबा फिर बुलाया। बिलावल को बुलाकर दोबारा इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी को भी इस्तीफे देने चाहिए, हमें इस्तीफे दे देने चाहिए। नून लीग और मौलाना फजल रहमान ये चाहते थे कि 31 तक इस्तीफे क़यादत के पास आ जाएं और यकम को इस्तीफे मौलाना फजल रहमान के हवाले कर दिए जाएं और जनवरी के पहले हफ्ते में जो है वो हम इस्तीफे दे दें। लेकिन मौलाना फजल रहमान और मरियम दोनों बिलावल को मनाने में नाकाम हुए हैं। बिलावल ने 3 सवालात किए मौलाना फजल रहमान से। पहला बिलावल ने ये किया कि आप ये बताएं कि ये इस्तीफे जो है आप कहते हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे, अगर हमने इस्तीफे दे दिए और उसके बाद जैसे हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, जैसे कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि दोबारा ज़िमनी इंतखाबात होंगे, तो फिर हम तो अपना हाथ काट के खुद दे रहे हैं, हम तो अपने ऊपर खुद कुछ हमला कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने, मौलाना ने कहा नहीं, ये मामला इतना सादा नहीं है, आईनी बहरान पैदा होगा और मामला अदालत में जाएंगे। बिलावल ने कहा अगर अदालत भी हुकूमत के हक में फैसला दे देती है फिर हम क्या करेंगे। दूसरा मौलाना का यह था कि चले हम ऐसे करते हैं कि हम इस्तीफे लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर दे देंगे। बिलावल ने कहा कि जी ये अख्ताम वाली क्या मतलब, आप क्यों सोच रहे हैं ये बात। मौलाना कहते हैं कि शायद हमें इस्तीफे देने की नौबत इसलिए ना आए कि मौलाना कहते हैं कि जब हम रवाना होंगे, अभी हम रवाना होंगे तो हमें कॉल आ जाएगी। बिलावल ने कहा कहाँ से जाए वो कॉल आ जाएगी, उन्होंने कहा वहीं से जहाँ से आती होती है। इनकी पूरी इस रिहर्सल का, इनकी पूरी इस एक्टिविटी का, इनकी पूरी इस तहरीक का मकसद आज सामने आ गया है कि एक टेलीफोन कॉल। ये कहते हैं कि हमें रावलपिंडी से कॉल आएगी, फिर हम उनको कहेंगे कि ठीक है जी हम आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ बात करते हैं, ग्रैंड डायलॉग होगा, नेशनल डायलॉग होगा, और उन्हें हम कहेंगे कि जी आप ऐसे करें कि आप इस हुकूमत को घर भेज दें और दोबारा इंतखाबात करवाएं और फिर ये इस तरह से। बिलावल ने कहा कि ये तो आप बड़ी सादा बात कर रहे हैं, मामलात इतने आम फहम नहीं है, इतने सादा नहीं है जिस तरह से आप सादा बनाकर पेश कर रहे हैं हमें। और बिलावल ने एक और बात की, बिलावल ने कहा हम रवाना हो जाते हैं, क्योंकि इस्तीफों पर तो बिलावल नहीं माने, लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी। बिलावल ने कहा अगर हम रवाना हो जाते हैं और कॉल नहीं आती फिर हम क्या करेंगे, कोई जवाब नहीं था मौलाना के पास। तो बिलावल ने उनको यही कहा कि आपका ना तो प्लान बी है ना प्लान सी है, अगर क़यादत में से कोई गिरफ्तार हो जाता है फिर कौन लीड करेगा, किस तरह होगा, कोई जवाब नहीं था मौलाना के पास। बस मौलाना और मरियम की एक ही बात है और नवाज शरीफ की एक ही ख्वाहिश है, इस्तीफे इस्तीफे और इस्तीफे। बाकी आप देख रही हैं कि ट्विटर के ऊपर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, फेसबुक के ऊपर दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर दिए जा रहे हैं, टिकटॉक पर दिए जा रहे हैं, इंस्टा पे दिए जा रहे हैं। इस्तीफों का भी ना नया ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया हमारे पाकिस्तान के इन सियासतदानों ने, लतीफे ही बन गए ये तो इस्तीफे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, वो ट्विटर और फेसबुक पे इस्तीफे आ रहे हैं, जहाँ इस्तीफे देने हैं वहाँ कोई नहीं जा रहा। अब देखना अजमत बुखारी साहब हैं, वो वहाँ घर से बैठ के इस्तीफा। अच्छा, हालत इनकी देखिए जरा, अब इसको सही यूटर्न नहीं कहेंगे कि ये पहले मांग रहे थे इस्तीफा, अभी देने पर आ गए इस्तीफा, वो भी गैर आईनी तरीके से। अच्छा बिल्कुल, अजमा बुखारी साहब का जो घर है वहां से पंजाब असेंबली अगर अपनी गाड़ी पे ना भी जाएं, करीम और उबर पे भी जाएं, तो वहां पे इनको 125 रुपए लेंगे करीम और उबर वाले, तो भैया आप उस पे चलिए जाके दें इस्तीफा। तो आप जाएं, अब देखें कल इनके साथ क्या हुआ। कल इनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज सामने आई, आज इनके एक रहनुमा है कश्मीर से, उन्होंने एक बात पर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा जी उनकी कल तस्वीरें भी आई, खैर वो कल कश्मीर से वो आए 18 अजरकें लेकर, ये जो सिंध वाली हैं, उन्होंने कहा जी हम जितनी लीडरशिप है पीडीएम की उन सारों को ये अजरकें पहनाकर, क्योंकि अभी सिंध कल्चर डे गुजरा था कि एक सिंध कल्चर डे भी हो जाएगा और साथ ही ये है कि जरा एक कि हम कश्मीरी जो है वो सिंध की सकाफत से मोहब्बत करते हैं, थोड़ा सा आपको पता है ना कि वो टिकट शिकट लेने के लिए जो इस तरह के लीडर्स होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं वो लीडरशिप के करीब होने की कोशिश करते हैं, तो वो इनके लीडर नदीम खोखर जो हैं वो अजरकें लेके आए। लेकिन कल इतना सोगवार माहौल था वहाँ पे, उन्होंने कहा जी आज अजरकों की जरूरत नहीं है, रहने दें, और नहीं माना गया। जाहिर है कल तो पीडीएम को कफन पहनाया गया है, तो अजरकें कहाँ उन्होंने पहनानी थी। तो ये सूरत हाल है और बड़ी मायूस कुन, मरियम तो बहुत मायूस हैं, आप उनके ट्विटर पर देख लें कि 23 घंटे तक उनका ट्विटर मुकम्मल तौर पर खामोश रहा, ना उन्होंने कोई ट्वीट किया ना रीट्वीट किया। फिर आज शाम से वो आप ज़रा तोजो डाइवर्ट करने के लिए कह रही हैं कि इतने इस्तीफे आ गए, इतने इस्तीफे आ रहे हैं, हालांकि आप देखेंगी कि ये तो चंद लोग हैं ना, ज़्यादातर इनमें से इस्तीफे देने वाले वो लोग हैं जो मुंतखब जो स्पेशल सीट्स हैं उनके ऊपर हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जो इलेक्शन लड़ के आए हुए हैं, अगर वो सारे इस्तीफे देंगे तो मज़ा तब आएगा, जो कि ऐसा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही, नून लीग के अंदर भी इख्तलाफात हैं,
और पीडीएम जो है वो अच्छा सदीक, अगर आईनी तरीका देखा जाए ना तो इस्तीफा जब दिया जाता है स्पीकर को जमा करवाया जाता है इस्तीफा, ठीक है, फिर स्पीकर साहब इंडिविजुअली बुला के इनसे मीटिंग कर सकते हैं, जी आपको क्या मसला है, आपको क्या मसला, अपनी तसल्ली कर सकते हैं। उस अरसे में वो 2 से 3 महीने भी लगा सकते हैं इस चीज़ को चेक करने में, किसका क्या प्रॉब्लम, उसका क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये मैं मजाक के सेंस में कह रही हूँ, ऑन अ लाइटर नोट, कि उनको जो अच्छा नहीं लगता होगा असेंबली में वो कहेंगे जी आपका इस्तीफा तो फौरन एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड, और जो अच्छे लगते होंगे उनके वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खुद चाहेंगे कि इल्तवा का शिकार है हमारे इस्तीफे तो अभी एक्सेप्ट हो ही ना। देखिए मैंने कल प्रोग्राम के शुरू में आपको एक जवाब दिया था और वही जवाब दोहराऊंगा कि ये इतने सादा नहीं है कि इस्तीफे देंगे, सादा जरूर है पर इतने भी नहीं, तो ये इतने सादा नहीं है कि इस्तीफे दें, तो जब इस्तीफे देने की नौबत ही नहीं आएगी तो फिर स्पीकर के ऊपर क्या आएगा, इतने इतना उनको इम्तिहान में डाल ही नहीं जाएगा, ना ही इस्तीफे देंगे और ना ही इस्तीफे मंजूर होंगे, तो ये इसी तरह से पुरानी तनख्वाह पर काम जारी रखेंगे। और मुझे नहीं नजर आ रहा कोई इनकी कोई मतलब बड़ी कोई ठोस ही हो ना कोई बात हो, बस एम ही टाइम पास हो रहा है। चलें जी ठीक है, टाइम पास हो रहा है टाइम। बहुत शुक्रिया सर सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तजिए के लिए। और नाजिर एक अहम पेशरफ्त जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगी यहाँ पे, कि जी रूस के बाद अब चीन ने भी पाकिस्तान के साथ फौजी मशकें शुरू की हैं। ये जो फजाई मशकें हैं इनका आगाज़ आज हो गया है, जिसमें पाकिस्तान और चीन की फजाइया एक दूसरे के साथ मिलकर मशकें करेंगी, एक दूसरे के साथ अपने आप समझने के तजुर्बात शेयर करेंगे। और ये ऐसी मशकें नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसी कुछ मशकें पिछले महीने पाकिस्तान और रूस की फ़ौज ने मिलकर की थी, लेकिन ये जो पाकिस्तान और चीन की जो मुश्तरका फ़ौजी मशकें हैं इसकी टाइमिंग पर ज़रा ध्यान दीजिए, बड़ी अहमियत की हामिल है ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बहुत कुछ होती है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि ये फ़ौजी मशकें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब भारत पाकिस्तान को तन्हा करने की प्लानिंग कर रहा है, साजिशें कर रहा है, सोच रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को तन्हा किया जाए, फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है उसकी खबरें फैली हुई हैं। अब ऐसे में जहां ये मशकें हमारे लिए हम कह सकते हैं कि एजाज़ हैं, वहीं पे दुश्मन के लिए ये एक वाज़े पैगाम है, क्लियर पैगाम ये है, क्लियर मैसेज कि वो किसी भी ड्रामेबाजी से बाज ही रहे। अब जहाँ इस वक्त दुनिया की सुपर पावर्स चीन और रूस पाकिस्तान के साथ फौजी मशकें कर रही हैं, और अगर अमेरिका की बात मैं करूं तो वो भी अफगानिस्तान में, आपको पता है कि अफगानिस्तान में फंसी अपनी जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहता है, और चीन और रूस दोनों एससीओ के बानी मेंबर्स भी हैं, और ये खित्ते का आप वो ग्रुप समझ लें जिसे नाटो के साथ मिलाया जाता है। रूस और चीन का पाकिस्तान की तरफ झुकाव और ये फौजी मशकें दुश्मनों के सीने में किसी तीर से कम नहीं है, एक तीर की मानद लगी हैं दुश्मनों के सीने में। और मोदी सरकार, मेरे ख्याल से मोदी सरकार तो एक के बाद एक चपेड़ खाए चले जा रही है, चपेड़े पाड़ी है मोदी सरकार को, और मोदी को मैं यही कहना चाहूँगी कि अब भी वक्त है मोदी बाज आ जाओ, पहले अपने मुल्क में सिखों को संभालो, सिख तो तुमसे संभाले नहीं जा रहे हैं, कोरोना वायरस तुमसे संभाला नहीं जा रहा है, पहले कोरोना को अपने मुल्क में सिखों को संभालो, उनको उनके हकूक दो, वरना जल्द कश्मीर के साथ साथ खालिस्तान भी बन जाएगा और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।